यस बेटा, यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन विच आई हैव डिस्कस विद यू हाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज अपॉइंटेड. क्लियर? देन ही प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देन आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट, लिस्ट इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड डिपार्टमेंट्स are distributed, like education minister, defense minister of our country, who will be the external home affairs minister, who will be the agriculture minister and defense minister. After distributing the department, he can reshuffle. Reshuffle means if prime minister thinks that if any minister is not handling the department properly, then he can redistribute, reshuffle the ministry between them also. Yeah? So it means formation of council of minister is the responsibility function of prime minister. Then he also comes to the chairman of cabinet. Cabinet meetings are conducted by the prime minister. Cabinet minister kaun hote hain? Very important ministers, jo bahut important ministers hote hain. Council of ministers to pure jitne bhi uske ministers hain, like 60-70 ministers ho sakte hain. लेकिन इसमें से कुछ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास कंट्री के मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. तो कैबिनेट मीटिंग्स आपने सुना होगा कई बार कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वो उन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं. देन लीडर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के भी लीडर हैं, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर हर एक जितने भी कोई बिल हैं जो लोकसभा में पास होता है, और चाहे ऑर्डिनरी है, चाहे मनी बिल है, चाहे बजट है, ईच एंड एवरी डिटेल दैट शुड बी विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. एंड ही इन्फॉर्म्स अबाउट द मीटिंग्स, वो प्रेसिडेंट के साथ जो भी मतलब उनकी डिस्कशन होती है वो लोकसभा तक पहुँचाते हैं, और लोकसभा में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी मीटिंग्स का एजेंडा होता है, वो प्रेसिडेंट. Prime Minister act as a link between Lok Sabha and President. He also act a link between Cabinet and President. ठीक है, यानी कि वो कैबिनेट मीटिंग में जो भी होता है उसकी सारी डिटेलिंग वो किसको बताते हैं? President. Keep informing and updating. ठीक है, साथ साथ वो इनको इन्फॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं. Chief Advisor of the President. साथ ही वो क्या है? President के Chief Advisor भी हैं. रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, किस किस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स प्रेजिडेंट की पावर्स हैं, लाइक मतलब इलेक्शन कमीशन हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशनर हो गया, गवर्नर्स हो गए, ठीक है, एम्बेसडर्स हो गए, देन और भी इम्पॉर्टेंट कंट्री में जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए, हाई कोर्ट के जजेज हो गए, है ना. कंट्री में कितनी भी इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो प्रेजिडेंट करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइज करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, ये तो मैंने आपको बताई दिए. देन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से जितनी भी पॉलिसीज, चाहे इंटरनल है, एक्सटर्नल पॉलिसीज है, उसमें हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही ज्यादा जो आपको नजर आते होंगे. हमेशा आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर कभी इस कंट्री में गए, कभी दूसरी कंट्री में गए, तो अल्टीमेटली उनका वहां पे जाना, पॉलिसीज अपनी कंट्री को कैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है प्रेजेंट करना, नए नए ग्रुप समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो ऐसे में मतलब हम ये कह सकते हैं कि ही फॉर्मुलेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. कंट्री में नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आना, लाइक जिसमें कहते हैं बुलेट ट्रेन का प्रपोजल, या फॉरेन कंट्रीज के जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेकर आना, फॉर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है. तो ये सारा जो भी है दैट इज इन द हैंड ऑफ प्राइम. देन साथ ही हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है दैट इज द ऑफिस पार्टी आल्सो, वो अपनी पार्टी को भी जो है प्रमोट करते हैं. इलेक्शंस के टाइम में आज देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच देते हैं लोगों को, और अपनी पार्टी की प्रमोशन, पार्टी की प्रमोशन का मतलब क्या होता है, अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है. तो पीपल ऑलवेज रिमेन ईगर टू लिसन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर. न्यूज में हमेशा लोग प्राइम मिनिस्टर की नई नई पॉलिसीज, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. देन प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल.
अगर देखा जाए, मैं आपसे ये पूछूं, हु इज मोर पावरफुल इन आवर कंट्री, इज इट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, देन आंसर विल बी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट, बिकॉज एक्चुअल पावर्स, जितनी भी एक्चुअल पावर्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पावर्स जो प्रेसिडेंट की हैं, एक्चुअल पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ ही प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में कोई पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता, हर एक पर्सन की पावर्स को कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस किया गया है, कंट्रोल किया गया है, ठीक है। तो दैट वॉज मतलब जो भी आपने इसमें करना है, हेडिंग्स बनाकर करना, लाइन्स में प्रॉपर नहीं करना, हर हेडिंग के अंदर आपने एक दो लाइन्स में इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, पावर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग एनी फंक्शन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? देन आई विल स्टार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हरिया बट आस्क योर डाउट, ask your doubt beta, if any point regarding prime minister is not clear, okay, now I will start council of ministers. We have completed prime minister, now I will start council of ministers. Council of ministers jo hai generally three categories hoti hai beta, generally there are three categories. So many students they are joining late, but it's 9:08. Now we are doing council of ministers, theek hai? Basically, there are three categories of Council of Ministers. Three categories mein, number one, cabinet. Council of Ministers mein, number one hote hain cabinet ministers. Number two, ministers of state. यहाँ पे स्टेट वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप गुजरात में ही है, यहाँ पे रैंक, ये मतलब रैंक है, हम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज डेप्टी मिनिस्टर, क्लियर? अब अगर देखा जाए, ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सपोज इस सर्कल में ये है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके प्राइम मिनिस्टर हमेशा जब भी कोई प्रॉपर मीटिंग करते हैं या हमारी कंट्री में जब भी कोई किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी डिस्कशन होता है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये होंगे कैबिनेट। इनका नंबर कितना हो सकता है, वेरी कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि 20 to 30, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स अप्रोक्सीमेटली सेंटर की बात करें तो कितने हो सकते हैं, 20 to 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, देन डिफेंस मिनिस्टर्स, ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, हम ये कह सकते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये अपने अपने डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट हेड होते हैं। लाइक अगर रेलवे मिनिस्टर हैं तो रेलवे मिनिस्टर इज द होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं कि इनका कंट्रोल अपने डिपार्टमेंट पे होता है, फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, तो ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स लाइक न्यू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। लाइक इनका नंबर कितना हो सकता है,
like more than 60 to 70. हमारी कंट्री में कितने ही ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके मिनिस्टर्स जो हैं, लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास लेस इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं. लेस इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनके साथ कंसल्ट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट विद देम. प्राइम मिनिस्टर कंसल्टेशन ज़्यादा इनके साथ ज़्यादा करता है, इनके साथ ज़्यादा इनकी डिस्कशन होती है, लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है ऐसे मिनिस्टर्स जो किसी लेस इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, लाइक ऐसे मिनिस्टर्स भी होते हैं जो काइंड ऑफ जिनके पास मतलब बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए उनको ऐसे डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं जिनका बहुत जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते. ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अप्रॉक्सीमेटली कितने हो सकते हैं, 60 to 70. ठीक है, आगे आ जाओ डेप्यूटी मिनिस्टर, इनका तो नंबर फिक्स नहीं है. डेप्यूटी मिनिस्टर वो होते हैं लाइक ये सारा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. तो इनर रिंग, अगर मैं कहूँ इनर रिंग क्या है, कैबिनेट, ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये हो गए सारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और इसके बाद ये हैं सारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स. यहाँ पे हो गए डेप्यूटी मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो कि नए नए मिनिस्टर्स बने हैं. लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो पार्टी में पहली बार आया है, पार्टी में वो जीत गया, एमपी बन गया, और प्राइम मिनिस्टर अब उसको आगे जो है वो गवर्नमेंट में चांस देना चाहते हैं, तो उसको किसी कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ असिस्ट कर देते हैं. डेप्यूटी मतलब असिस्ट कर दे, ताकि वो डिपार्टमेंट को कैसे चलाते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, असिस्ट करें. डेप्टी का मतलब होता है असिस्ट करना. ठीक है, असिस्ट मीन्स उनकी हेल्प करें. तो अब देखा जाए हमारी कंट्री में टोटल प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जेक्टिव इट मीन्स हमारी कंट्री की रियल एग्जेक्टिव क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ रियल एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री. जो रियल का मतलब होता है जो लॉ लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, प्रेजिडेंट अप्रूव करते हैं, उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स. कितने तरह की कैटेगरी है मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट इन चार्ज ऑफ देयर डिपार्टमेंट. जिनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, यू कैन राइट एनी थ्री, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर. ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं जिनके पास लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और इनका नंबर ज़्यादा होता है, 60 to 70 वेरी करता है. ठीक है, डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. कैबिनेट का भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो कैबिनेट होगा, मैक्सिमम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का होगा. देन डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर असिस्ट का मतलब होता है ऐसे मिनिस्टर्स जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज नहीं होते हैं, वो या कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं. ये डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको किनके साथ लगाते हैं, और उनके साथ रहकर वो मिनिस्ट्री को कैसे संभालते हैं, कैसे सारा वर्क किया जाता है, वो सारा सीखते हैं. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, वो उनसे ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं लेते, बल्कि किससे लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, तो काउंसिल ऑफ, अब देखा जाए तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कैबिनेट, दिस इज कैबिनेट एंड दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वाइडर का मतलब होता है ये सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट सिर्फ इतनी सी. ठीक है, कैबिनेट जो है दैट इज ओनली वन पार्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड कैबिनेट इज ओनली पार्ट. कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनर रिंग है. ठीक है, कैबिनेट इज द इनर मोस्ट पार्ट का मतलब होता है इनर मोस्ट रिंग है, इनर मोस्ट सबसे मतलब जिसे कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ दीज आर लाइक, अगर देखा जाए तो जब भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो दीज आर कंसल्टेड बाई द प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली. ठीक है, इनके साथ अर्जेंट मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है. देन कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज मीन्स डिपार्टमेंट, लाइक डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया,
ठीक है, होम मिनिस्टर हैं, ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनमें सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, तो हमेशा उनसे कंसल्ट करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्टी मिनिस्टर के साथ मे और मे नॉट कंसल्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। अब एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर सारे इकट्ठे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे बिल बना रहे हैं, इकट्ठे बिल पास करवा रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे ही गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ कोई इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क जो है वो साइन किया जाता है। तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट जो है जो भी काम करती है इकट्ठे मिलकर करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, ये सारी रूलिंग पार्टी है, ये सारी रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी है, और दूसरी तरफ होती है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इनसे क्वेश्चनिंग करती है, ऑपोजिशन पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करेगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से क्वेश्चनिंग करेगी, डेप्टी मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करेगी, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करेगी, ऑपोजिशन पार्टी जो, इट मीन्स दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। इफ द पार्लियामेंट रिजेक्ट एनी पॉलिसी, अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास नहीं हो रहा तो ये इनकी फेलियर मानी जाएगी। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास नहीं हो रहा है तो इनका फेलियर माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनकी मेजोरिटी यानी कि बिल पास करवाने में नाकामयाब रहे, अनसक्सेसफुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक तरह से क्या होता है, एक काइंड ऑफ एक इंसल्ट मानी जाती है अगर पार्लियामेंट में कोई जो बिल ये प्रेजेंट करना चाहते हैं वो पास नहीं हो, ठीक है। तो ऑल द मिनिस्टर सिंक एंड स्विम टुगेदर, सिंक एंड स्विम टुगेदर का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सपोज मिनिस्ट्री जो है या बहुत बड़ा स्कैम्प होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर उसमें जो है वो पाए जाते हैं, तो अगर तो एक मिनिस्टर की गलती है तो उसको तो चलो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो ऐसे में क्या होता है, फिर पार्लियामेंट क्या करती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपने याद किया, आपने बताया, मैंने आपको बताया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करती है, वोटिंग करवाई जाती है, और अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो सारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, और ऑटोमेटिकली कई बार लोकसभा डिजॉल्व भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ऑल द मिनिस्टर सिंक एंड स्विम टुगेदर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, ये मेजोरिटी पार्टी, दे आर आंसरेबल, ठीक है, और ऑपोजिशन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू दीस। तो ये है सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जेक्टिव। तो इनका मेन फंक्शन, अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि बटे विच आर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको एडवाइस करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है फंक्शन सेम ही होते हैं, लेकिन जब आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट पूछी जाती है तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है। अगर इसमें हम कहेंगे कि हाँ जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर का मेन काम क्या होता है, ठीक है, मिनिस्टर जो है उनका मेन काम क्या होता है, ऑब्वियसली अपने अपने डिपार्टमेंट से लेकर क्या बनाना, पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर द पीपल। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, एजुकेशन मिनिस्टर वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसीज बनाती है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, तो नंबर वन देयर मेन फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट, और अपनी अपनी पॉलिसीज बनाकर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करते हैं और उसको अप्रूव करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, मेकिंग ऑफ, या ये भी लिख सकते हो फॉर्मुलेशन भी लिख सकते हो, मेकिंग भी लिख सकते हो, मेकिंग ऑफ लॉज एंड पासिंग द लॉज। जो मिनिस्टर
वो कहीं ना कहीं लोकसभा के मेंबर भी हैं, एमपी भी हैं, तो इनका मेन काम क्या होगा, बिल को पास करवाना, ठीक है। ये क्या करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बिल पास करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एमपी भी है ना, एमपी पहले ही है उसके बाद ही मिनिस्टर बने, तो बिल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, कई बार जो होता है इनको बिल पास करवाते हैं या वोटिंग करवाई जाती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आ जाता है बजट, फाइनेंशियल मींस बजट, जब लोकसभा में बजट पास होता है तो उसमें ये भी वोटिंग करते हैं, ठीक है, बिल पास करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो काम प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का है, लोकसभा एमपीज का है, कहीं ना कहीं वही है, जस्ट आपने हेडिंग्स के द्वारा इनकी इंपॉर्टेंस बतानी, ठीक है। फाइनेंशियल में आ जाएगा बजट, तो बजट के रिलेटेड आप बताओगे कि बजट पास करवाना जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी अपॉइंटमेंट्स जो हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं उन अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इनसे भी एडवाइस ले सकते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। फोर्थ, फंक्शंस या एडवाइजर, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैन टेक एनी काइंड ऑफ एडवाइस, ठीक है, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी भी तरह की एडवाइस जो है वो इनसे ली जाती है, और इस तरह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सारा वर्क करते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा आपने ये भी बताना है, जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाती है, जब कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री ओनली व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं कि कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाए, और उसके बाद कंट्री में प्रेजेंट इमरजेंसी लगाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फिफ्थ, इमरजेंसी, इमरजेंसी फंक्शन। मैं अब एक बार सारे फंक्शन रिपीट कर रही हूँ, आपने इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे करना है। नंबर वन, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ जैसे भी है, ठीक है। नंबर टू, मेकिंग ऑफ लॉज एंड पासिंग ऑफ लॉज, बिल्स, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद उसको पास करवाने का सारा प्रोसेस, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड इज फाइनेंशियल, बजट, फाइनेंस, कंट्री का जो बजट होता है, ठीक है, बजट को पास करवाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइजर टू, चीफ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसमें एडवाइस की जरूरत पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो उनको एडवाइस करते हैं सारे मिनिस्टर्स। और नेक्स्ट इज एमरजेंसी फंक्शन, प्रेसिडेंट, इसमें आप क्या बताओगे, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन द कंट्री ओनली विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्लियर। तो ये है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस। तो अभी तक हमने दो पार्ट कवर किए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, फर्स्ट वी हैव कवर्ड लेजिस्लेचर, सेकंड वी हैव कवर्ड एग्जीक्यूटिव, क्लियर। नाउ डाउट्स, हरि अप, आस्क योर डाउट्स, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट, जुडिशरी, वी विल कंप्लीट जुडिशरी, हरि अप बेटा। हाँ जी लीजा, कीप योर माइक ऑन। मैम प्लीज टेल द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इजी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑल आर रिस्पॉन्सिबल और आर आंसरेबल अगेंस्ट द पार्लियामेंट। ऑपोजिशन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम टू एनी मिनिस्टर, लाइक एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इफ दे विल नॉट गिव देम आंसर्स, दैट इट मींस लोकसभा जो है दैट विल पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। Is clear? So they have to satisfy the people. अगर ministers answer नहीं देंगे तो it means वो अपना failure show कर रहे हैं, ठीक है। अगर opposition कोई भी उनसे questioning पूछ रही है और वो answer नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई statement, उनका कोई answer ही नहीं है, तो
तो कहीं ना कहीं इट मीन्स वो फेलियर, फेलियर का मतलब होता है कि वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो कई बार क्या होता है फिर लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा इनके अगेंस्ट जो है वो वोटिंग करवाई जाती है और पूरी की पूरी काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो जो मिनिस्टर्स हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी हो रहा है वो नहीं बता रहे, तो ऐसे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और उसमें क्या होता है पूरी की पूरी जो है वो काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? यस, एनी डाउट बेटा? टिल नाउ आई हैव डिस्कस विद यू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इन लेजिस्लेचर वी हैव कंप्लीटेड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट एंड इवन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, देन आई हैव डिस्कस विद यू सेकेंड ऑर्गन दैट इज एग्जीक्यूटिव इन विच आई हैव डिस्कस प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देन थर्ड, थर्ड इज जुडिशरी। इसमें हमने बताना है कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है दैट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, जब हम जुडिशरी, हमारी कंट्री की जुडिशरी का हम पढ़ते हैं तो इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। सपोज अगर जो केसेस हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद बचे ये कोर्ट केसेस जाते हैं, अगर सपोज कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी उनको जिस भी तरह से उनको मतलब जो भी रिजल्ट है, जजेस का जो भी रिजल्ट है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अपील की जाती है फिर हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज अ लास्ट, लास्ट हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट सिर्फ फांसी की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा में, इट मीन्स हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जज का जो डिसीजन है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। दैट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुडिशरी, ये सारा जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, जुडिशियल ऑर्गन्स, ये तीनों ऑर्गन्स आगे जुडिशरी के ऑर्गन्स हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एंड टू पनिश दोज हु वायलेट लॉज, जो लॉज को वायलेट करते हैं उनको पनिश करते हैं, और लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करते हैं, केसेस को सॉल्व किए जाते हैं, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें नंबर वन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस, कॉम्पोजिशन, पावर्स, फंक्शंस। ठीक है, कॉम्पोजिशन, पावर्स, फंक्शंस, जो भी उसके फंक्शंस हैं। हाँ जी, नंबर वन कॉम्पोजिशन में आपने क्या बताना है? हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें सबसे टॉप, सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप सबसे नंबर वन जो पोजीशन है वो है सीजेआई। सीजेआई क्या फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जज तो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज हैं, उनकी पोस्ट क्या होती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री को डील करता है, तो सीजेआई के अलावा नंबर ऑफ अदर जजेस आर देयर मोर देन 25। सीजेआई प्लस 25
judges. Their number can be increased. Sirf jury nahi 25 can be increase or decrease. So minimum 25. एक सीजीआई होते हैं, सीजीआई मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी बहुत से जजेस होते हैं, मोर देन 25. और सुप्रीम कोर्ट में कितने ही केसेस एट अ टाइम चलते हैं, ठीक है? तो हमारी कंट्री में कितने ही ऐसे जो केसेस हैं जो हर रोज सुप्रीम कोर्ट में ओपन किए जाते हैं, फाइल किए जाते हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ जजेस जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद है इनकी रिटायरमेंट. अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट. अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी जजेस ऑफ सुप्रीम, चाहे वो सीजेआई है, चाहे जितने भी जजेस हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेम एक लाइन हमेशा याद रखना, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? उसके बाद आ जाइए इनकी रिटायरमेंट एज. इनकी रिटायरमेंट एज मैक्सिमम रखी गई है 65 इयर्स टर्म. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है दैट इज 65 इयर्स, जो सबसे ज्यादा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में सबसे ज्यादा. दे रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 इयर्स, ठीक है? अब आ जाइए इनकी क्वालिफिकेशन. जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? नंबर वन, एक तो होना चाहिए शुड बी द सिटीजन ऑफ कंट्री, ये तो सबको पता ही है कि ऑब्वियसली कंट्री का सिटीजन होगा. नंबर टू, इनके पास क्या होना चाहिए? 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज इन द हाई कोर्ट. जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके पास एटलीस्ट हाई कोर्ट के जज होने का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर 5 तो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एज अ हाई जज ऑफ हाई कोर्ट मिनिमम 5 ईयर्स. यानी कि हाई कोर्ट का, यानी कि नीचे हाई कोर्ट के वो 5 साल तक जज रह चुके हैं, वो तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? तो ये है इनकी क्वालिफिकेशन. देन इसके बाद इनकी रिमूवल, इनकी रिमूवल कैसे होती है? इनकी रिमूवल जो है सेम, इनके ऊपर भी इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है ना, वही इनका होता है. सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अब वो तो फाइनल है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको सपोज अगर ये कुछ ऐसा करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग नहीं होता, तो इनको कहाँ पर रिमूव किया जाएगा? इनको रिमूव किया जाएगा पार्लियामेंट. रिमूवल जो है दैट इज पार्लियामेंट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं कर रहे, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनको रिमूव करना जरूरी है, तो क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी. 2/3 मतलब दोनों हाउसेस में अलग अलग हो, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव. 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लोकसभा में और राज्यसभा में सभी एमपीज मिलकर वोटिंग करेंगे, ठीक है? अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से अगर सभी एमपीज इनके अगेंस्ट वोटिंग करते हैं तो दे विल बी रिमूव, ठीक है, बाय द बोथ द हाउसेस, ठीक है? तो ये है इनका अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड इनका रिमूवल प्रोसेस. अब हम करते हैं इनकी पावर्स एंड फंक्शंस. यहाँ तक क्लियर है? इट इज क्लियर? टाइम नाउ 9:35. Tomorrow I will discuss with you powers and functions. Any doubt?